छठ पूजा में खीर पूरी के दिन ये पिल्ली ने चार बच्चों को जन्म दिया। इसको फिर व्यवस्था किया गया, कुछ ला के पूरा वाला रख डाला दिया गया, फिर बोरा बिछा दिया गया। तो बहुत ही क्यूट क्यूट हैं बच्चे इसके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोग को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है छठ पूजा का दूसरा दिन है, क्या कि कल था नहाए खाए, आज है खीर पूरी। तो हमारे घर छठ पूजा होता है, हमारी दीदी करती है छठ पूजा। तो अभी वो मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर से आ रही हैं। अभी शाम को 6 से भी ज़्यादा बज चुके हैं, अभी मिर्ज़ापुर से आ रही हैं क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिली थी। वो सर बताऊँ, जो छुट्टी नहीं मिली है फिर भी वो आ रही हैं ड्यूटी छोड़ के, मतलब कि अपने सर से बोले कि बोल दिए, बोल के फिर आ रही हैं। और आज है खीर पूरी का दिन, और पीछे हमारी तैयारी हो रही है। हमारी आंटी जी हैं ये यहाँ पे, तो पीछे है चूल्ही वगैरह, यहाँ पे छत पे चूल्ही वूल्ही बनाई गई, तो वहीं पे तैयारी चल रही है खीर पूरी की। आपको दिखाते हैं इस ब्लॉग में। तो यहाँ पे आग लग चुका है, यहाँ पे देखिए दूध भी चढ़ चुका है। इससे बनेगा खीर और बनेगा पूरी। ये हमारी छोटी माँ पेरिस आंटी जी, और उधर है चूल्ही। इधर इस चूल्हे बनाया जाता है, आप लोग जानते ही हैं। अभी कल भी बनेगा। उधर आम की लकड़ी सब रखी हुई है, क्योंकि आम की लकड़ी पे ही बनता है ये सब प्रसाद वगैरह। कल बनेगा ठेकुआ वगैरह, जो भी आप लोग बोलते हैं, खस्ता बोलते हैं, ठेकुआ बोलते हैं, जो भी आप लोग बोलते हैं, कल बनेगा। आज खीर पूड़ी बनेगा। यहाँ पर सब सामग्री है, चावल वगैरह सब पूजा वगैरह हुआ है चूल्हे का। ये देखिए अच्छा अच्छा बना गया, तो अभी सब बनेगा, आपको दिखाते हैं। तो फाइनली खीर बन के रेडी होने वाली है। अभी ये सब चावल पड़ गया है, और ये देखिए पंचमेवा है, ये सब पड़ेगा उसमें। फाइनली दोस्तों खीर यहाँ बन चुकी है, इसमें इस चूल्हे बनी है। अब ये पूड़ी की तैयारी हो गई है, देखिए इसमें से अब मलाटा बस दीदी के लिए बनेगा, बाकी सब लोग रोटी वगैरह खाएंगे, तो उन लोगों की रोटी सबके लिए बन गया है। दीदी के लिए पूड़ी बनेगा, क्योंकि भाई जो व्रत रहता है उसको जरूर रहता है, बाकी कोई खाए चाहे वहाँ खाए। खीर सबके लिए बना है, और ये पूरी खाएंगी दीदी इससे का, तो आटा सान दिया गया है। तो अब ये पूरी पराठा बनना स्टार्ट हो गया, देसी घी का यहाँ पे है। और हमारी दीदी भी अभी आ चुकी हैं, यहाँ धोया गया, यहाँ थोड़ा सा खीर पूरी चढ़ाया जाएगा। ये देखिए आगे हमारा शेर, आ जाओ, अरे यहाँ यहाँ देखिए, ये है हमारा भांजा जिसके लिए होता है छठ पूजा। एक मिठी दे दो हमको, हमको मिठी दे दो। आ कौन है उसमें बाबू, उसमें कौन दिख रहा है उसमें मोबाइल में? सिंघम है। आज ये खीर पूड़ी के दिन देखिए हमारी ये पिलिया बच्चा दे रही है, देखिए किट होती है फिलहाल, तो अभी घर में आके दी, बाहर नहीं। फिलहाल एक ही बच्चा दी है, उसको हम घेर दिए इधर से। अभी और व्यवस्था बनाया जाएगा तब तक दे, और हो सकता है दे बच्चा, कोई ठीक नहीं है, उतने ज़्यादा बच्चे देते हैं फिलहाल। पूजा हो गया, हम नीचे चले गए थे बिल्ली को देखने। यहाँ पे हो रहा है पूजा, हाँ आ जाओ। हमारी दीदी पूजा कर रही हैं, देखिए खीर पूरी चढ़ रहा है। अभी सुंदर आया है फोटो में, अभी हम फोटो खींचे हैं। अबे भाई, हम भाई नहीं, तुम्हारे मामा हैं। अबे भाई, ये पानी पानी है, पानी पानी है। जय कर लो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ लो बाबू।
छठ पूजा में खीर पूरी के दिन ये पिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दिया, इसको फिर व्यवस्था किया गया, कुछ ला के पूरा वाला रख डाला दिया गया, फिर बोरा बिछा दिया गया। तो बहुत ही क्यूट क्यूट हैं बच्चे इसके। तो फाइनली आज की खीर पूरी वाली पूजा हो गई। तो उम्मीद है कि अभी छोटी सी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, लिए आपको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारा बाबू है, इसी के लिए छठ पूजा होता है।